हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। हम भी माँ दुर्गे और शिव शंभु के आशीर्वाद से अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हैं। तो आज है नवमी और नवमी को हम करते हैं कन्या पूजन। पूजा पाठ हमारा हो चुका है, मंदिर से हम आ गए हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे कन्या पूजन। कन्याएं हमारे घर आ चुकी हैं और हम सबको एंटरटेन कर रहे हैं। पूज की बहुत मस्ती कर रहे थे क्योंकि एकता ने बैकग्राउंड म्यूजिक चलाया हुआ था, चूम चूम छना नन मैया पाँव पै जनिया, जो हमारे घर में दुर्गा माता का सबसे फेवरेट भजन माना जाता है और इसको हम हर फेस्टिवल में ऑलमोस्ट बजाते हैं। तो फूज की बहुत मस्ती कर रही थी और मस्ती करते करते वो बार बार मुझे खींच रही थी और बोल रही थी, मौसी तुम मेरे साथ डांस करो। तो मैं उसको बस कंपनी दे रही थी और उसके साथ बाकी सारे बच्चे को इंटरटेन कर रही थी ताकि सारे बच्चे जो है जो कन्या पूजन के लिए आए हैं वो शांति से बैठे रहे और आराम फील करें। जो कन्याएं आई हुई थी वो बैठे बैठे थोड़ा बोर हो गई थी क्योंकि हम लोग को कन्या पूजन करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि मम्मी को थोड़ा टाइम लग रहा था सारी चीज़ों को अरेंज करने में। तो फटाफट फिर मम्मी ने सारा अरेंजमेंट किया और फिर हमने स्टार्ट किया कन्या पूजन। और फिर मैंने जितनी भी कन्याएं आई हुई थी उनको लाइन में बैठा दिया और बैठाने के बाद फिर मैंने हाथ में पानी लिया और हाथ में पानी लेने के बाद जितनी भी कन्याएं हमारे घर में आई हुई थी मैंने उनके पैरों को साफ़ करना स्टार्ट किया। और फिर एकता को मैंने बोला सूखा रुमाल ले लो और सूखा रुमाल से जितनी भी कन्याएं हैं जिनका मैंने पैर साफ़ किया है उसके ऊपर से तुम सूखा रुमाल लगा के उनके पैर को और अच्छे से साफ करो। और कन्या पूजन में संदीप भी थे हमारे साथ, वो भी कुछ कुछ कर रहे थे। और जब हमने पैर को साफ कर लिया तो मैंने एकता को बोला कि सबको आलता लगाओ, आधा कन्याओं को तुम लगाओ और आधे को मैं लगाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो कन्याएं हमारे पास आई हुई थी उनके पेरेंट्स आ गए थे हमारे पास क्योंकि हमें कन्या पूजन करने में बहुत टाइम लग रहा था। और ये है धनु जो बहुत रो रही थी, तो मैंने बोला कन्या पूजन कर देते फिर ये अपने घर चली जाएगी, बट ये रोए जा रही थी। तो भाभी ने बोला कि फटाफट इसको कन्या पूजन करके और इससे खाना खिला के और फिर इसे कर दिए तुम लोग दूसरे कन्याओं का भी पूजन कर सकती हो। और फिर जब हमने गल्लू को चला दिया तो उसके बाद हमने सारे कन्याओं को पहले चूनर उड़ाया। चूनर उड़ाने के बाद एकता ने प्लेट सजाया और प्लेट सजाने के बाद मम्मी ने सारी कन्याओं को खाना दिया। और खाना देने के बाद सब लोग मस्ती में खाना खा रहे थे, पीछे बैकग्राउंड में बहुत अच्छी अच्छी हमने म्यूज़िक चलाया हुआ था, जो इन्वायरमेंट था वहाँ का बहुत मस्त माहौल बना हुआ था। दिल्ली NCR में ये मेरा पहला कन्या पूजन था और बहुत सारे बच्चे आ गए थे, हमने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कहीं ज़्यादा बच्चे थे। हमने तो 9 को ही एक्सपेक्ट किया था कि 9 बच्चे आ जाएंगे, तो बट एट लास्ट मोमेंट बहुत सारे आ गए थे। तो हमने बहुत अच्छे से किया था कन्या पूजन, बट सारे लोग जो है थोड़ा सा रश में थे और उनके पेरेंट्स भी आ गए थे तो हम भी फटाफट कर रहे थे ताकि किसी को बुरा ना लगे। और यहाँ पर अलता लगाना बाद में मुझे पता चला कि इसको लोग बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक होता है, हमारे साइड में तो इसको बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि दुर्गा माँ का जिस तरह से हम लोग श्रृंगार करते हैं उसी तरह से हम जितनी भी कन्याएं हमारे घर आती हैं उसी तरह से हम सारा श्रृंगार करते हैं, जैसे पैर में अलता लगाना, फिर नेल पेंट लगाना, नाक से के ऊपर से सिंदूर करना, फिर हाथ में मेहंदी लगाना, फिर चूनर उड़ाना, फिर खाना खिलाना, फिर सबको प्रणाम करना। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो कि जब सारी कन्याएं ने खाना खा लिया उसके बाद मैंने, गोलू ने और मम्मी ने, हम सब ने जितनी भी कन्याएं थी सबको हमने प्रणाम किया। और लास्ट में हम करते हैं उनको खोइंछा देते हैं। खोइंछा जिसमें होता है ना कि जब लड़की आपके घर आती है और फिर हम जब वो जाने लगती है तो उसमें हम खोइंछा देते हैं, तो सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर भी किया। और यहाँ पे सारी कन्याएं चली जा रही थी और मेरा पूजा इस तरह से नवरात्रि का सफल हो गया एक तरह से, क्योंकि कन्या पूजन होने के बाद भी ही कहा जाता है कि आपका पूजा सफल हुआ, तो मेरा पूजा सफल हो गया। और इस तरह से नवरात्रि का 9 दिन ख़त्म हो जाता है। और फिर मुझे थोड़ा बुरा भी फील हो रहा था कि नवरात्रि का 9 दिन का जो हम फास्ट करते हैं, सिर्फ हम फास्ट नहीं करते हैं, उन 9 दिनों में हम बहुत चीज़ें करते हैं। जैसे एक्साइटमेंट से भरा हुआ हमारा एक एक मोमेंट होता है कि हमें किस तरह से पूजा करना है, किस तरह से माँ को प्रसन्न करना है, क्या क्या भोग लगाना है, किस तरह से माँ को सजाना है, किस तरह तो आज इस ब्लॉग में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।